हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम टेल कमांड से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से टेल क्यूएसएल कमांड की हेल्प से हम आउटपुट मल्टीपल फाइल से रिट्रीव कर सकते हैं। इससे पहले वाले सेशन में जस्ट हमने देखा था कि कैसे आउटपुट को रीडायरेक्ट किया जाता है या अपेंड किया जाता है। अब अगर आपको उसी आउटपुट को अगर मल्टीपल फाइल्स के थ्रू जनरेट करना हो तो वो कैसे कराया जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो ऐसी डेमो की फाइल चाहिए जिसमें कुछ टेस्ट डेटा होगा, और उस टेस्ट डेटा की बेसिस पे हम टेल कमांड रन करेंगे, और दोनों जो इंडिविजुअल दो हमारे पास फाइल है उनके बॉटम एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे, और फिर उन एन नंबर रिकॉर्ड्स जो भी हमारे पास आ रहा है उसको या तो आप स्टोर कर सकते हो किसी भी फाइल में रीडायरेक्ट करके, या अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डेटा है तो उसमें उस डेटा को अपेंड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। सेशन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट समझेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं प्रोजेक्ट में जहां हमें इसको यूज़ करना है, और फिर जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी तब हम एक प्रैक्टिकल सेशन करेंगे जिसमें हम सारी उससे रिलेटेड जो कमांड है टेल से रिलेटेड उसको क्यूएसएल कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके देखेंगे। और ये दोनों चीज़ें क्लियर होने के बाद में लास्ट में सेशन के लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सीएल प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट और हमारी जो नेसेसिटी है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क एलएन के कमांड कब यूज़ करते हैं, जब भी आपको वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन करना है। तो यहाँ पे आप वर्क एल एन के करके एंटर हिट करोगे तो आपके पास ये वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पे आपको बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी पता चल जाएगी। जैसे मेरे केस में बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या है, /home/शर्मित, ठीक है। आपका सपोज अगर यूजर नेम ABC है तो यहाँ पे आ जाएगा /home/ABC, वो क्या होगा, डिफॉल्ट डायरेक्टरी होगा। डिफॉल्ट डायरेक्टरी के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि डिफॉल्ट डायरेक्टरी जब आप किसी फाइल का पाथ प्रोवाइड नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो भी फाइल होगी वो इसी डायरेक्टरी से पिक होगी, ठीक है। अब डेमो के लिए हमारे पास हमें दो फाइल की रिक्वायरमेंट है। तो पहला फाइल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको जो है abc.txt, ये हमारी फर्स्ट फाइल है। इस पे जैसे ही आप ऑप्शन 5 लेके ओपन करोगे तो इसके अंदर कुछ हम टेस्ट डेटा स्टोर किए हुए हैं। तो टेस्टिंग रो 1 से लेकर टेस्टिंग रो 25 तक हमारे पास डेटा है। अब इस फाइल में से हम क्या करेंगे, बॉटम 3 रिकॉर्ड्स को पिक करेंगे, ठीक है। बॉटम 3 क्योंकि टेल कमांड यूज़ कर रहे हैं तो वो बॉटम से ही डेटा पिक करती है। तो ये आ जाएगा अपने 3 रिकॉर्ड। फिर उसके बाद में इस फाइल का पाथ तो हमें चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट। इसी पाथ के बेसिस पे हम कमांड रन करेंगे, इसको यहाँ से एंटर करके। अब हमें चाहिए सेकेंड फाइल, क्योंकि मल्टीपल फाइल के ऑपरेशन देख रहे हैं तो उसमें हमें सेकेंड फाइल चाहिए। तो सेकेंड फाइल के लिए यहाँ पे एक और फाइल है हमारे पास rr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 
अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपको और भी फाइल्स इंक्लूड करने, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो सेम पैटर्न पे, जस्ट फाइल नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन ने फाइल पाथ कॉपी कर लिया। रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि बॉटम थ्री रिकॉर्ड्स हम पिक करेंगे abc.txt से, और बॉटम थ्री रिकॉर्ड पिक करेंगे rrrry.txt फाइल से। फिर दोनों का जो आउटपुट आएगा उसको पहले मैं डिस्प्ले करना बताऊंगा, फिर उसी आउटपुट को अगर किसी फाइल में रीडायरेक्ट करना है तो वो कैसे होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब प्रैक्टिकल पार्ट के लिए अपने को क्यूशल स्क्रीन ओपन करनी होगी, तो वहाँ पे जाने के लिए हम लिखेंगे QSH और एंटर। जैसे ही एंटर हिट करोगे तो क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन ओपन होगी। अब यहाँ पे आपको नॉर्मली लिखना है टेल। टेल आप किसी भी केस में लिख सकते हो, चाहे तो आप अपर केस में लिख लो या लोअर केस में, बस आपको यहाँ पे लिखना है टेल, स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में अपन एन नंबर डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हमें चाहिए, बॉटम रिकॉर्ड्स है ना। तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे को दोनों फाइल्स के बॉटम थ्री रिकॉर्ड्स पिक करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 स्पेस। स्पेस देने के बाद में आप अपनी फर्स्ट फाइल का पाथ यहाँ पुट करोगे, तो हमने यहाँ पे पाथ डाला /home/sharmith/abc.txt। फिर एक स्पेस देंगे, उसके बाद में सेकेंड फाइल का पाथ आ जाएगा। सेकेंड फाइल का पाथ भी सेम रहेगा /home/sharmith, और यहाँ पे आ जाएगा rrrry.txt। तो ये हो गया rrrry.txt। ऑफ इतना करके जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो अब आपको ये आउटपुट दिखा रहा है, पहले फर्स्ट फाइल से बॉटम थ्री रिकॉर्ड,
फिर सेकंड फाइल का बॉटम थ्री रिकॉर्ड, साथ में ये हेडर भी दिखाता है कि कौन सा डेटा कौन से फाइल से आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये हेडर मिलेगा, ये एज ए डेटा आप रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। तो इसी से आपको पता चलेगा कि कौन सी फाइल का डेटा कौन से रोज है। अब यहाँ पे आप लोगों का कुछ क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों का, कि अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करना हो तो क्या करेंगे। सिंपली आपको जिस भी फाइल का डेटा पहले राइट करवाना, उसको उसका पाथ आप पहले प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ स्पेस देके मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, डबल आर डबल वाई डॉट टी एक्स टी फाइल है, उसका डेटा पहले आएगा, फिर आएगा ए बी सी डॉट टी एक्स टी से। एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद में आपको यहाँ से बॉटम थ्री रिकॉर्ड मिला जो डबल आर डबल वाई डॉट टी एक्स टी से आ रहा है, और ये वाले बॉटम थ्री रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ए बी सी डॉट टी एक्स टी से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। केस का मैंने आपको बता दिया कि टेल को अगर आप कैपिटल में भी लिखोगे तो भी वो सेम ही वर्क करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने देखा कि इस डेटा को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं मल्टीपल फाइल्स से। अब आप चाहो तो यहाँ पे और भी फाइल्स इंक्लूड कर सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पे थर्ड फाइल का पाथ देना, या फोर है तो फोर दोनों फाइल का, एक्स्ट्रा जो दो फाइल है उनका पाथ देना है। यहाँ तक अब बस हमने देखा कि कैसे डेटा हम डिस्प्ले करवाते हैं। अब इसी डेटा को अगर रीडायरेक्ट करना है, जो हमने लास्ट सेशन में इंडिविजुअल फाइल के लिए देखा था, वैसे ही आपको राइट एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करना है, स्पेस देना है, और जिस भी फाइल में उसको ट्रांसफ़र करना है उसका नेम आ जाएगा, जैसे डबल ए डबल बी डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो डेटा है आपका ये इस फाइल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट कर देगा, और एग्जिस्ट करती है तो इसमें जितना भी डेटा है वो रिप्लेस हो जाएगा इस नए डेटा से। तो यहाँ पे करते हैं एंटर। जैसे हमने एंटर किया तो कोई भी एरर मैसेज नहीं आया, मतलब ये कमांड जो थी वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई। इसको वेरीफाई करने के लिए आप कैट कमांड रन करोगे, कैट स्पेस डबल ए डबल बी डॉट टी एक्स टी, और एंटर कर दोगे। तो ये जो डेटा आ रहा है वो कौन से फाइल से आ रहा है, डबल ए डबल बी डॉट टी एक्स टी, जिसमें अभी अभी हमने हमारा आउटपुट रीडायरेक्ट किया। सेम चीज़ अगर आपको अपेंड करवानी है तो अपेंड कराने के लिए बस हमारे को एक एंगुलर ब्रैकेट और ऐड करना पड़ेगा इस जगह पे। तो अगर आपकी क्वेरी में, आपकी कमांड में डबल एंगुलर ब्रैकेट है तो उसका मतलब है कि आप डेटा अपेंड कर रहे हो। अपेंड का मतलब जो पहले उसमें डेटा है उसके बाद में ही आप नया डेटा राइट कर दोगे, और अगर अपेंड नहीं कर रहे तो वो पुराने फाइल का डेटा रिप्लेस कर देगा नए फाइल से। तो एंटर करते हैं। अभी अगर एंटर किया तो अब क्या होगा, वो डेटा रिपीट हो जाएगा, क्योंकि पहले भी वो था और अब वापस से हमने उसको राइट किया है, अपेंड किया है। तो यहाँ पे ये डेटा वापस आ गया, ठीक है। हर बार हेडर रिपीट होगा, हेडर के बाद में डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा सेम चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हो वर्क एलएन के स्क्रीन से। तो यहाँ पे भी अगर हम डबल ए डबल बी डॉट टी एक्स टी फाइल देखेंगे तो उसका आउटपुट आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है मल्टीपल फाइल्स के साथ डेटा को फेच करना और उसको स्टोर या अपेंड करवाना। अब हम देखेंगे क्यूशल से इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए सिंपल अपन एक प्रोग्राम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो मेरा ओल्ड जो प्रोग्राम है उसमें मैं मॉडिफिकेशन करूँगा, प्रोग्राम टू यूज़ टेल कमांड टू टेल कमांड फॉर मल्टीपल फाइल्स, ठीक है। तो मल्टीपल फाइल्स के लिए यहाँ पे डेटा आएगा। वेरिएबल हमें चाहिएगा तो वेरिएबल के लिए लिख दिया मैंने DCL, DCL लिख के F4 प्रेस करना है। यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल का नेम, स्टोरेज टाइप और लेंथ। इसके बाद में एंटर हिट करना है, फिर आपको लिखना है CHGWHERE, वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे कमांड आ जाएगी जैसे टेल स्पेस हाइफन टू, और यहाँ पे जैसे मल्टीपल फाइल के लिए अपन सिंपल इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे अभी के लिए। तो abc.txt स्पेस डबल आर डबल वाई डॉट टी एक्स टी, इतना करके एंटर हिट करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, बॉटम टू रिकॉर्ड्स लाएगा दोनों फाइल्स के, ठीक है। और कमांड रेडी है। इस कमांड में हमने ये प्लस अपने एंड से ऐड नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। जैसे ही आप F4 लोगे और यहाँ कमांड लिखोगे तो वो लाइन चेंज करने के लिए ऑटोमेटिक उस प्लस को ऐड कर देता है। अब वेरिएबल रेडी है तो आप बस इसको रन करवाना है, तो strqsh लिख के उस वेरिएबल का नेम आ जाएगा। और अगर आपको अपेंड और डेटा रिडायरेक्ट करना है तो उस केस में आप एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करके नया फाइल का नेम दे सकते हो, जो अभी हमने क्यूशल कमांड स्क्रीन पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसको कंपाइल करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों फाइल के बॉटम टू रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और साथ में उसका हेडर भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम टेल कमांड को मल्टीपल फाइल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फिर जो उसका आउटपुट है उसको या तो रीडायरेक्ट कर सकते हैं या अपेंड करवा सकते हैं एग्जिस्टिंग डेटा में। इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।